वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को बने करीब 5-6 महीना हो गया है और मुख्यमंत्री के नाते यहां पहली बार हमारा आना हुआ और ये जो व्यवस्था है यहां पर, जो कोचिंग करने के लिए हमारे बच्चे आते हैं छत्तीसगढ़ से, उनको सरकार के तरफ से निशुल्क रहने की व्यवस्था जब डॉ रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब से है। और अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार यहां पर हमारा आना हुआ और हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल मिनिस्टर, जिनके पास कृषि भी है, वो भी आए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी आए, हमारे लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मिंज वो भी आए, और जो यहां पर बच्चे रहते हैं उनके साथ हम लोगों की बातचीत हुई। हम लोग उनसे पूछे कि किस गांव से हैं, क्या नाम है और किसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और एक एक से बात हुई है, सबने बताया है अपना नाम, गांव और क्या कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहां पर 50 बच्चों की व्यवस्था थी जिसको हमारी सरकार बढ़ा के अब 200 कर रही है। छत्तीसगढ़ के 200 हमारे बेटा बेटी बच्चे यहां पर कोचिंग के लिए आएंगे, उनको सरकार व्यवस्था देगी। तो ये हम लोग 150 सीट यहां पर बढ़ा रहे हैं। सर, और भी जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में और भी प्लानिंग है, और भी काम करने की, मेडिकल कॉलेजेस हो गए वो तो देखिए, एक तरह से जब 15 साल हम लोग की सरकार थी डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में, तो शिक्षण के जितनी भी संस्थाएं हैं सब छत्तीसगढ़ में हो गया। छत्तीसगढ़ बनने के पहले सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, और जितना जो वहां पर IIT, IIM और जो भी शिक्षण की संस्थाएं हैं सब हम लोग की जब 15 साल की सरकार थी तब रायपुर में वो सब हुआ है। और शिक्षा को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, कहे कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, उसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।